वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्राम गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। ऑल राइट, वी हैड ऑलरेडी सीन सम ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ नेट चार्ज ऑन पेप्टाइड। पहले हमने जो है थोड़ा छोटे एग्जांपल्स को कंसिडर किया था। नाउ वी विल लुक अपॉन ऑन अ लार्ज पेप्टाइड दैट हाउ यू कैन कैलकुलेट द चार्ज ऑन दैट पेप्टाइड। सो बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स दिस वीडियो, पहले आप बिल्कुल बेसिक वीडियो देखना, आफ्टर देन इसका पार्ट वन, एंड देन प्रोसीड फॉर दिस वीडियो, सो दैट आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें और करेक्टली एक्यूरेटली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ऑलराइट, ये हमारा जो है गिवन क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन द पेप्टाइड। पेप्टाइड ये गिवन है और पीएच जीरो पर जो है इस पर आपको चार्ज जो है वो कैलकुलेट करना है। पहले हमने केवल दो अमाइनो एसिड्स को कंसिडर किया था पेप्टाइड में। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द फोर अमाइनो एसिड्स एंड देयर कैलकुलेशन ऑन अ गिवन पीएच, राइट। इसी तरीके से पेप्टाइड चाहे जितनी भी लंबी होती चली जाए, आप सेम यही मेथड फॉलो करके उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। फाइन, दिस इज आवर क्वेश्चन, कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन दिस पेप्टाइड, राइट। तो वही स्टेप्स हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं जो मैं आपको अपनी पिछली स्लाइड्स में बताती आई हूँ, राइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केलेटन फॉर्म में जो है पेप्टाइड का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है। पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम एग्ज़ाम में पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें देन हम इसको सॉल्व करें। सो गो फॉर दीज काइंड ऑफ स्केलेटन स्ट्रक्चर, फाइन, ओके। ग्लूटामिक एसिड है, ग्लाइसिन है, एलेनिन है, लाइसिन है, राइट। अब आपको ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको साइड चेन्स का ध्यान रखना है, साथ में आपको अल्फा कार्बोक्सी और अल्फा अमाइनो ग्रुप का ध्यान रखना है, राइट। अगर हम यहाँ लेफ्ट टू राइट मूव करें देन ग्लूटामिक एसिड में जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है ऑब्वियसली इधर की साइड होगा, बट इसका जो अल्फा कार्बोक्सी ग्रुप है दैट इज टेकिंग पार्ट इन बोन फॉर्मेशन विद द ग्लाइसिन। तो बीच के जो भी आयनाइजेबल ग्रुप हैं जो कि बोन फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे हैं, हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे, राइट, बिकॉज वी आर ओनली फोकसिंग अपॉन द फ्री आयनाइजेबल ग्रुप्स, राइट, जो कि यहाँ पर केवल चार हैं, बिकॉज ग्लाइसिन का कोई आर चेन नहीं होता, साइड चेन नहीं होती, राइट। सेम इज द केस विद एलेनिन, बट लाइसिन, राइट, जो कि एक बेसिक अमाइनो एसिड है, डू हैव अ साइड चेन एंड अ अल्फा कार्बोक्सी टर्मिनल। सो कीप इन माइंड वी हैव फोर आयनाइजेबल ग्रुप्स हेयर, कौन कौन से, कार्बोक्सी टर्मिनल है पेप्टाइड का, राइट, ग्लूटामिक एसिड का आर ग्रुप है, लाइसिन का अमाइनो ग्रुप है जो कि एज अ साइड चेन में इंक्लूड है, राइट, एंड अमीनो टर्मिनस है पेप्टाइड का। अमीनो और कार्बोक्सी टर्मिनस तो है ही है, मेनली वी हैव टू फोकस अपॉन द साइड चेन्स, राइट, ओके। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, नेक्स्ट स्टेप हमारा था पीके वैल्यूज को लिखना, राइट। आपको गिवन होंगी पीके वैल्यूज, इन केस यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद द पीके वैल्यू इन द गिवन क्वेश्चन, यू कैन मेमोराइज देम, राइट, आपको याद करनी पड़ेंगी ये सब वैल्यूज, ओके। देन अगर हम अल्फा अमाइनो ग्रुप की बात करें, राइट, ग्लूटामिक एसिड की, देन उसका पीके वैल्यू कितना है, 9.67, राइट। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी गिवन है, ओके। देन ग्लूटामिक एसिड का जो आर चेन है उसकी कितनी वैल्यू है, 4.25। देन लाइसिन की आर चेन इज 10.79, यू कैन सी हियर, आप अप्रॉक्स वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट, इट विल बी अराउंड 11, इट विल बी अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 4, इट विल बी अराउंड 10, लाइक दैट, राइट, ओके। एंड कार्बोक्सी टर्मिनस है जो पेप्टाइड का, उसका कितना वैल्यू है, 2.18 फॉर द केस ऑफ लाइसिन, लाइक दैट, इट्स हेयर, राइट, ओके। अब हमें पीएच कितना गिवन है, पीएच लिख लीजिए, राइट। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए भी करती हूँ, लिखती हूँ सब कुछ ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ और कंपैरिजन में आपको दिक्कत ना हो, फाइन। पीएच सेम है, दैट इज जीरो विच इज़ द गिवन पीएच। अब आप चार्ज कैलकुलेट करना जो है वो स्टार्ट कीजिए। वही बात मैंने आपको कहा था,
जो भी आप आयनाइजेबल ग्रुप ले रहे हैं उनके चार्जेस भी इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी आप लिख लेना, बिकॉज चार्जेस भी हमें कंपेयर करने हैं. प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन के बाद चार्जेस भी हमें कंपेयर करने हैं कि वेदर दे आर कैंसलिंग आउट और नॉट, राइट. ओके, अब यहाँ पे जब हमने कंपेयर किया देन पीएच क्या है, कम है पी के वैल्यूज में, यहाँ पर तो सब में ही कम है बिकॉज पीएच जीरो गिवन है. हेयर ऑल्सो, हेयर ऑल्सो, हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो, राइट. सो जब पी एच कम होता है पी के वैल्यू से तब क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है. रिमेंबर दीज थिंग्स, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था क्या होता है ये, वो भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बेसिक पार्ट में. फाइन, यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, प्रोटोनेशन होगा प्लस वन, फाइन. अब यहाँ पर भी क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा प्लस वन, फाइन. यहाँ पर भी क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा प्लस वन, यहाँ पर भी प्रोटोनेशन होगा प्लस वन, राइट. नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, वी हैव टू कंपेयर द हमारा जो नेट चार्ज आया, हमारा जो चार्ज आया है आफ्टर प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन जो भी हुआ है उसको हमें एक्चुअल चार्ज के साथ जो है कंपेयर करना है, राइट. अब आप देखिए यहाँ पे प्लस वन आया था, यार यहाँ पे क्या है, साइड चेन पे माइनस चार्ज है, सो इट विल कैंसिल आउट एंड विल लीड इन टू अ न्यूट्रल जीरो चार्ज, राइट. यहाँ पर क्या है, दोनों ही केसेस में प्लस था, सो प्लस वन विल बी देयर, नो कैंसिलेशन विल बी देयर. हेयर ऑल्सो द सेम केस लाइक दैट ऑफ ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो जाएगा एंड द आउटकम विल बी जीरो, न्यूट्रल चार्ज जो है हमारा जीरो आएगा. कैलकुलेट कर लीजिए, प्लस वन एंड प्लस वन विल बी प्लस टू, सो नेट चार्ज फॉर द गिवन पैप्टाइड एट पी एच जीरो विल बी प्लस टू, एज ईजी एज दैट, राइट. नो रॉकेट साइंस इज देयर इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट. अगर आप स्टेप बाई स्टेप अच्छे से समझ के करें चीज़ों को तो फाइन. सम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ का इनफैक्ट वही क्वेश्चन है बट पीएच वैल्यूज जो है वो चेंज हैं, सो दैट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें. डोंट फॉरगेट टू प्लीज़. मैं देखिए क्वेश्चंस इसलिए देती हूँ ताकि आप समझ सकें कि आपने कितना सीखा है. लास्ट प्रेजेंटेशन में, लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे पहले, वो छोटे पैप्टाइड्स के लिए, राइट. प्लीज़ उसको आप सॉल्व करना फिर यहाँ तक आना, राइट. और ऐसे जितने क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में मिलते हैं, बेशक वो CSIR का हो, गेट का हो, DBT का हो, ICMR का हो, ARSnet, एनीथिंग, बहुत, बायोकेमिस्ट्री इज वेरी कॉमन सब्जेक्ट इन ऑल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सॉल्व कर डालो, गुंजाइश ही मत छोड़ो कि कल को अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट्स डैम ईजी, राइट. इजिली आप इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, फाइन. और देखो MCQs में तो बहुत आसानी हो जाती है, चार ऑप्शंस रहते हैं आपके सामने, तो करेक्टली जो है वो मैचअप हो पाता है. सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो हेयर इज़ अ लिंक फॉर माई चैनल. फेसबुक का ऑफिशियल पेज भी यहाँ पर लिंक दिया हुआ है. इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग रिलेटेड टू, इफ़ यू आस्क समथिंग रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कुछ स्ट्रेटजी के बारे में या एनी थिंग इफ यू वुड लाइक टू आस्क, राइट. कोई फालतू के क्वेश्चन प्लीज़ मत पूछना, लाइक एनी थिंग बट रिलेटेड टू एग्जाम्स ही प्लीज़ पूछना, फाइन. ओके, चैनल का लिंक आपको पता ही है, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दैट. ये जो है वेबसाइट का एड्रेस जो है यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर बहुत सारी ई बुक्स, स्टैंडर्ड ई बुक्स फ्रीली अवेलेबल हैं, राइट. वहाँ से आप उन स्टैंडर्ड ई बुक्स को अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर डोमेन, वेदर इट्स ऑफ डेल बायो, बायो कैम, माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बहुत सारी ई बुक्स वहाँ पर हैं इन द PDF फॉर्म. यू कैन डाउनलोड दोज ई बुक्स फॉर फ्री, फाइन. थैंक यू सो मच. Thanks for watching our video. To subscribe on our channel, please press the subscribe button given below the video. And for regular updates and notification, don't forget to press the bell icon. For more information, query, do like my Facebook page and the link is given below. Thank you so much, guys. God bless you. Bye-bye. Take care.